अगर आप एक कंपनी के सीईओ को बोलोगे कि उसे अपनी कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट में अपनी हायरिंग के लिए एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, आई कैन बेट ऑन द फैक्ट कि कोई भी सीईओ हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएगा। यह भी हो सकता है कि कुछ सीईओज अकेडमिकली उस इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल भी ना हो, बट स्टिल वो पूरी कंपनी रन कर रहा है। और उसका रीजन ये है कि इस सीईओ में लीडरशिप है और इन्हें वो स्किल्स आती हैं जो कंपनी चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो जब एक कंपनी का सीईओ हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता, तो एक क्लास में बैठे 40 बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी क्यों है? मोबाइल फोन्स 150 ईयर्स अगो, मोबाइल फोन्स टुडे, कार्स 150 ईयर्स अगो, कार्स टुडे, क्लासरूम्स 150 ईयर्स अगो, क्लासरूम्स टुडे। और ये है सच्चाई उन फैक्ट्रीज की जो ह्यूमन रोबोट्स बनाती है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इस देश की रीढ़ की हड्डी का सबसे खोखला हिस्सा। इंडिया विच इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एक ऐसा देश जहां यंगस्टर्स को अगर प्रॉपर एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन से मिलवाया जाए तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर क्या करना चाहिए और क्या किया जा रहा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप सबसे आज कुछ सवाल है मेरे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल वहां तक भी पहुंचे जहां तक हम सब पहुंचाना चाहते हैं। यस, टू द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारत में बेरोजगारी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इंडिया हर साल स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, बट स्टिल स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में नंबर वन है एंड इंडिया इज नोवेयर टू बी फाउंड। ऐसा क्यों? इंडिया में हर रोज 20 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, विच मीन्स हर 90 मिनटों में एक सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर हैपनिंग ड्यू टू अकेडमिक प्रेशर एंड करियर एंग्जाइटी। क्यों ज्यादातर टैलेंटेड इंडियंस अब्रॉड जाके ही जॉब्स करना प्रेफर करते हैं? क्यों पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हमेशा इंडिया से बाहर ही भेज देते हैं? क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी टीचर्स होते हैं वो अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल्स में कभी पढ़ने नहीं देते? क्यों ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान सही तरीके से फर्राटेदार अंग्रेजी ना बोल पाए तो उस पर पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होने का ठप्पा लगा दिया जाता है? क्यों ऐसा होता है कि सवाल और लॉजिक्स पूछने वाला रैंचो इनडिसिप्लिन्ड, यूजलेस माना जाता है, और रट रट के हर चीज में अंधों की तरह फॉलो करने वाला चतुर ब्रिलियंट स्टूडेंट? कभी सोचा है आपने, गुरुकुल वाले इंडिया में स्मार्ट लर्निंग तो आ गई, पर इस लर्निंग से आज तक कुछ भी स्मार्ट क्यों नहीं हो पाया? आज की ये वीडियो इन सारे सवालों के जवाब, इन सबके पीछे की साजिश और इन सब से बचा कैसे जा सकता है, इस एजुकेशन के मैट्रिक्स से बाहर निकल के वाकई में कामयाब कैसे बन सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाला है। क्या आप तैयार हैं? नाउ डू यू नो हु एस्टैब्लिश्ड आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स। अब आप मुझे बताना जरा कमेंट करके कि ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे हम इंडियंस से, कि हम इंडियंस लीडर्स बने या फिर स्लेव्स बने, हम टॉप मैनेजमेंट में पहुंचे, रईस बने, बहुत कामयाब हो, या फिर लाइफ लॉन्ग उनकी गुलामी करते रहे। हे, यू हैव गॉट द आंसर राइट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल्स। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तब उन्हें इंडियंस को कंट्रोल करने में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की। इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, विच मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर ब्रिटिशर्स टू इंस्ट्रक्ट एंड मैनिपुलेट अस। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैन पावर की कमी। दिमाग चलाने वाला मैन पावर नहीं, दिमाग कंप्लीटली बंद करके बस इशारों पे चलने वाला मैन पावर, क्लर्क्स, ऑफिस बॉयज, फैक्ट्री वर्कर्स, इन सबकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि लीडर्स तो वो लोग अपने साथ लेकर आए ही थे, बस उन्हें फॉलोअर्स चाहिए थे, ऐसे लोग जो सवाल ना पूछे, चुपचाप बस फॉलो करते जाएं, ऐसे लोग जो अपना दिमाग बिल्कुल भी ना चलाए, ऐसे लोग जो बस पैटर्न्स को फॉलो करना जानते हो। तो अपनी पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने 1835 में लॉन्च किया द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जहां से शुरुआत हुई इंग्लिश बोलने और पढ़ने के ट्रेंड की। खैर ब्रिटिशर्स तो चले गए, पर हम आज तक भी इस ट्रेंड को छोड़ नहीं पाए। कहने को तो वी से दैट इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड, बट नन ऑफ द कंट्रीज सेलिब्रेट इंग्लिश लाइक वी इंडियंस डू। ट्रस्ट मी, इंडिया में इंग्लिश सिर्फ एक एक्वायर्ड लैंग्वेज नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्टेटस सिंबल, अ फैशन, अ नेवर एंडिंग फैशन। धीरे धीरे हम लोग नमस्ते से हेलो पे आए, फिर हमारी किताबें इंग्लिश में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई, स्कूल्स में अंग्रेजी बोलना कंपलसरी कर दिया गया, और एक आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई जिसे लोगों में डिविजन्स बना दिए गए। इंग्लिश बोलने वाले लोग हाई क्लास माने जाने लगे, और तरीके से इंग्लिश ना बोल पाए वो लोअर क्लास। और इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने बड़े प्यार से अपनी पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और इसका सबूत यह है कि भारत आज मैक्सिमम इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन वाले देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। अब बारी थी इनके दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हम सबने बहुत बार सुना है, देखा भी होगा आपने, कि इंडिया में भेड़ चाल बहुत ज्यादा है,
जिसे हम हर्ड मेंटेलिटी भी कहते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि हमें ये मेंटेलिटी होती नहीं है, बल्कि ये भेड़ चाल हमें सिखाई जाती है। जी हाँ, बचपन से भेड़ चाल हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। पर कैसे, चलिए बताता हूँ। अब ध्यान से देखना एंड ट्राई टू ऑब्जर्व। हमारे स्कूल का फॉर्मेट एक फैक्ट्री जैसा ही तो है। बेल बजने पे एंट्री, बेल बजने पे लंच, बेल बजने पे छुट्टी। बचपन से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है टू फॉलो द पैटर्न्स, टू स्टे इन कंट्रोल। बच्चों के दिमाग में सेंसर सेट किए जा रहे हैं कि जो नेचुरली बेल के रिंग होने पे तुरंत रिएक्ट करे। दिस हैपेंस इन कॉलेजेस एंड टिल डेट इन द कॉर्पोरेट्स आल्सो, बिकॉज जब ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री वर्कर्स और क्लर्क्स चाहिए थे तो उसके लिए दे मेड श्योर कि इंडियंस ग्रास रूट लेवल पे स्लेवरी के लिए ट्रेन होते रहे। और आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर समाज में कोई बदलाव चाहिए तो किताबों में पढ़ने वाली बातें और स्कूल में सिखाने का तरीका दोनों बदल दो। बस एग्जैक्टली यही हुआ है हमारे साथ। बट द सैड पार्ट इज कि उन्हें जो करना था वो करते गए और करके चले भी गए। पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी वो बेड़ियां आज तक हम उतार नहीं पाए हैं। हमारे स्कूल्स में आज भी वही सब पढ़ाया जा रहा है जो कम्प्लीटली आउटडेटेड है। हम सबने पढ़ा है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। पर आप सब में कितने लोगों की लाइफ में ये एक्चुअली कहीं भी काम आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कितने लोगों को आज तक समझ में आया कि ये ट्रिगोनोमेट्री, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू, इन सब का यूज करना कहाँ है? अनटिल एंड अनलेस मैं इंजीनियर ना बन जाऊं, मैं कहाँ यूज करूंगा इन सारी बातों को? और इंजीनियर्स के क्या हालात है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्विट्जरलैंड की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा हमारा देश इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इतना तो कंज्यूम ही नहीं हो सकता ना, तो अब करे क्या? हमारा पढ़ा लिखा, डिग्री होल्डर, समझदार एंड यंग ब्लड ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड क्या करेगा? स्टूडेंट्स इन आर कंट्री आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर द पास्ट और इसी की वजह से इंडिया दुनिया से सालों साल पीछे चल रहा है। आप मुझे बताओ एक बार, कितना ही मुश्किल है स्टूडेंट्स को स्कूल में वो पढ़ाया जाना जो उनकी असल जिंदगी में काम आने वाला है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कॉन्टेंट क्रिएशन, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स, हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू बिल्ड योर ओन कंपनी, हाउ टू मैनेज योर टीम, हाउ टू बी अ गुड लीडर, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डेट्स, हाउ टू डील विद प्रेशर, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड द लिस्ट इज एंडलेस। कितना ही मुश्किल है ये सब करना। कितना ही मुश्किल है अकबर के बारे में पढ़ाने की जगह एलॉन मस्क, जेफ बेजोस के बारे में पढ़ाया जाए। कितना मुश्किल है कि बेटा तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी देख लेना, इसकी जगह ये बोलने में कि बेटा सीखो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने, वॉरेन बफे ने, मार्क जुकरबर्ग ने, गौतम अदानी ने, रितेश अग्रवाल ने, अलक पांडे ने, अश्नीर ग्रोवर ने, इन सब ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया? एट द एंड अगर हम सबको पैसा ही कमाना है तो पैसे की पढ़ाई क्यों नहीं करवाई जाती? क्यों नहीं बताते कि पैसा बनता कैसे है, इसे ग्रो कैसे किया जाता है, इसे डाइवर्सिफाई कैसे किया जाता है? आज पिछले 10 सालों में दुनिया इतनी ज़्यादा बदल गई है जितने पिछले 100 सालों में कभी नहीं बदली थी। आज पैसे कमाने के, रईस बनने के सैकड़ों हजारों तरीके मौजूद हैं मार्केट में, पर हमें सिखाएगा कौन? द कल्प्रिट इज आर एजुकेशन सिस्टम। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि 21वीं सदी के गेम्स को हम 20वीं सदी के रूल्स के साथ खेलें। तो हमारा नाकामयाब होना तो निश्चित ही है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट जो 12th पास करके स्कूल से निकल चुका है, भले ही वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हुआ हो, फिर भी उसे अभी लाइफ की बेसिक चीजें भी नहीं पता। स्कूल सच में अपने स्टूडेंट्स का वेल फिल्ड माइंड तो डेवलप कर रहे हैं, बट वेल फॉर्म्ड नहीं है वो माइंड्स। इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट लीडर्स, क्योंकि वो भीड़ में भीड़ बने रहने के लिए ही ट्रेन किए जा रहे हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि ये सब कैसे और क्यों शुरू हुआ, अब जरा ये देखते हैं कि कहानी कहां तक पहुंच चुकी है और अभी हालात हमारे कितने ज्यादा खराब है। लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी ऑफ ब्रिटिश टाइम्स। तो जब ये पूरी ट्रेनिंग स्कूल में इस तरह से होती थी कि हमें स्लेव्स बनाया जा सके, तो फैक्ट्रीज और कंपनीज में भी हायरिंग उसी पैटर्न में की जाने लगी। ब्रिटिशर्स वांटेड कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया है सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हो, और यही मेक श्योर करने के लिए रिपोर्ट कार्ड्स बने, डिग्रीज बनी, सो दैट दे कैन चेक द क्वालिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंसेस। और यही कल्चर चलता चला गया। कंपनीज भी सिर्फ डिग्रीज देखकर हायरिंग करती थी और स्टूडेंट्स भी कॉलेज और स्कूल सिर्फ डिग्रीज के लिए ही जाने लगे। इनफैक्ट आज तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्साइटमेंट नाम का एलिमेंट ना ही टीचर्स में, ना ही स्टूडेंट्स में। और एक्साइटमेंट हो भी क्यों, जहां हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज में टीचर्स को 16-17 लाख रुपए महीने का पैकेज दिया जा रहा है, वहां हमारे देश में टीचर्स को 30-35 हजार की सैलरी दी जा रही है। अब वो इंसान जिसके कंधों पे भारत के भविष्य की जिम्मेदारी है, अगर वो खुद भी इतना नहीं कमा पा रहा जितना कॉर्पोरेट में एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव कमा लेता है, तो वो खुश कैसे रहेगा? कहाँ से आएगी एक्साइटमेंट कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की या कुछ अलग तरीके से कुछ नया पढ़ाने की? एक इंसान इतनी पढ़ाई करने के बाद, अपने लाइफ के इतने सारे साल डिवोट करने के बाद अंडर पेड है, तो वो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही ना। यही रीजन है कि ज्यादातर टीचर्स अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड एंड अनएक्साइटेड होते हैं। अब जब टीचर्स ही ना खुश हों तो जाहिर सी बात है बच्चे कैसे एक्साइटेड होंगे, एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स एक्चुअली डोंट वांट टू अटेंड द क्लासेस। पर
पैटर्न तो फॉलो करवाना है तो 75% मिनिमम अटेंडेंस का क्राइटेरिया लगा दिया जाता है। मतलब ना हम जिएंगे और ना हम तुम्हें जीने देंगे। वैसे मैं जब इतना कुछ इस सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आया कि भाई तू है कौन, तुझसे ही नहीं हो पाई होगी पढ़ाई, नहीं मिली होगी नौकरी तो इतना ज्यादा भड़क रहा है। पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने यही सिखाया समझाया था कि अगर अमीर बनना है तो जिंदगी में आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई ही इकलौता रास्ता है। मैंने सच में बहुत पढ़ाई की भी जस्ट बिकॉज मुझे अमीर बनना था। 10th में 10 CGPA, न्यूज़पेपर में फोटो, नाम, इज्जत सब मिला। पर आज वही 10th का सर्टिफिकेट, 10th का रिजल्ट बस बर्थ सर्टिफिकेट का काम आता है। 12th में PCM से 92%, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में ग्रेजुएशन। आई डन ऑल दैट, बट मैंने जिंदगी में बिजनेस किया है जिसकी मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं। वैसे मेरी पूरी कहानी को आप जोश टॉक्स पे भी देख सकते हो, आई शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बट शॉर्ट में बस इतना है कि 2017 में 6000 की नौकरी करने से शुरुआत करने वाले आशुतोष ने 2023 तक करोड़ों का व्यापार कैसे खड़ा कर दिया। कैसे वही आशुतोष जो पूरी जिंदगी में भी 2 करोड़ कमाने का नहीं सोच सकता था, उसने बस एक दिन में 2 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल अस्तित्व को सक्सेसफुली पुल ऑफ कर दिया। सच्चाई यही है कि मैं सिर्फ अपने स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन पे डिपेंडेंट नहीं था, मैंने बहुत कुछ अलग से सीखा। और आज के टाइम पे अगर आपको खुद भी कुछ अलग करना है, मार्केट में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज चाहिए, तो खुद को एजुकेट करने का तरीका बदलना पड़ेगा। वो सीखना पड़ेगा जो स्कूल कॉलेज आपको नहीं सिखाता। जिस किसी भी स्किल में आपका इंटरेस्ट हो सीखना शुरू कर दो, चाहे गिटार हो, चाहे पियानो हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, कुछ भी, लिटरली कुछ भी, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो आपके दिमाग में जो बिल्ड करने का मन हो आपका। इनफैक्ट हाँ, अगर मैंने इतना कुछ खुद बिल्ड किया है तो मैं आपको बिजनेस बिल्ड करना तो सिखा भी सकता हूँ। मेरे दिमाग में तो बिजनेस का कोई आइडिया भी नहीं था सच में, ना ही कोई बिजनेस का बैकग्राउंड था। ओके, तो लेट्स डू वन थिंग। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि एक बड़े बिजनेस को बिल्ड कैसे किया जाता है बिल्कुल स्क्रैच से, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, जस्ट फिल दैट फॉर्म। अगर डिमांड बहुत ज्यादा आती है तो 100% मैं कोई ना कोई मास्टर क्लास या कोई वर्कशॉप या मे बी पूरा एक डिटेल्ड कोर्स प्रिपेयर कर दूंगा बहुत जल्द, ताकि एजुकेशन सिस्टम जो सिखा रहा है उसके अलावा भी आप अपने आप को एक सही तरीके से एजुकेट कर पाओ। क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो 2 चीजों की बहुत ज्यादा कमी है, एजुकेशन और सिस्टम। इट इज अ वेरी फेमस कोट कि इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, इफ यू इन्वॉल्व मी आई अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रैक्टिकल एजुकेशन, ऑन कैंपस ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग्स, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट है। जिसके कंसिक्वेंसेस ये हैं कि एसोचाम की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 93% MBAs आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब इनको एम्प्लॉयमेंट दी ही नहीं जा सकती, इनके अंदर ये स्किल्स ही नहीं है। MBAs एज अ फ्रेशर्स, पियॉन्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स, दे ऑल आर ऑलमोस्ट गेटिंग द सेम पैकेजेस। अब उन माँ बाप, उन पेरेंट्स का क्या जो अपनी जमीन बेच के, अपने गहने बेच के अपने बच्चों को भेजते हैं ये सोच के कि उनका बच्चा पढ़ के आएगा और उनके सारे दुख दर्द बिल्कुल दूर हो जाएंगे। पिछले 3 साल में बैड एजुकेशन लोन्स में 142% की हाइक हुई है, क्योंकि जो बच्चे इस पैसे से कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं उनकी या तो जॉब्स लग ही नहीं रही है, और लग रही है तो उनकी हायरिंग पैकेजेस से इस लोन का प्रिंसिपल तो छोड़ो, इंटरेस्ट भी नहीं उतर पा रहा है। हमारे एकेडमिक पैटर्न्स के रिक्वायरमेंट सिर्फ असाइनमेंट्स, होमवर्क, क्लास वर्क एंड रिजल्ट्स हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इट सीरियसली एट ऑल, बिकॉज दे सीरियसली डोंट फाइंड एनी लॉजिक्स इन दैट। रिसर्च कहती है कि 38-58% स्टूडेंट्स अपने समर इंटर्नशिप और वाइवा असाइनमेंट में फेक प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं, और ये सच है, ये तो हम भी जानते हैं। क्या आपने कभी कोई फेक असाइनमेंट सबमिट किया है? अब चाहे वो प्रोजेक्ट फाइल हो या लैब मैनुअल, मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना। इंडियंस आर एक्चुअली बिलीव टू हैव द शार्पेस्ट ब्रेन्स एंड द मोस्ट अडाप्टिव वंस। बहुत लंबी लिस्ट है उन भारतीयों की जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के अंदर टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, पर वो सब इंडिया से बाहर जॉब्स कर रहे हैं। तो फाइनली, जहां से इस वीडियो की शुरुआत हुई थी, मेरा सवाल अब भी वही है कि जब एक कंपनी का CEO हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता, तो एक क्लास में बैठे 40 बच्चों के लिए सब सब्जेक्ट्स में पास करना कंपलसरी क्यों है? Why can't we understand कि मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाना और बंदर से स्विमिंग करवाने की कोशिश करना इज अ वेस्ट ऑफ पोटेंशियल। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के सबसे बड़े जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन कह के गए हैं, दैट एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। बट यस, आई वुड लाइक टू एड वन थिंग, मैं एजुकेशन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर मैं खुद एजुकेटेड ना होता तो शायद मैं आप सबसे बात नहीं कर पाता तरीके से, मैं अपनी बात को प्रेजेंट भी ना कर पाता। बट येस, आई एम अगेंस्ट द सिस्टम दैट हैज ट्रैप्ड अस ऑल, द रियल मैट्रिक्स।